लगातार 2 वर्षों से हसनी हुसैन सोसाइटी मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग करते आ रहा है, जिसके चलते इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश के 18 जिलों में एक साथ जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान हसनी हुसैनी कमेटी के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार 2 वर्षों से हसनी हुसैनी कमेटी मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर लगातार आवाज उठाता आ रहा है और यह 3रा वर्ष है जब ज्ञापन दिया गया है। साथ ही इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि ईद मिलाद उन नबी के दिन शराब की दुकानें बंद की जाए। शराबबंदी की मांग कर रही है। इस बार भी ये 3रा साल है हसनी हुसैनी सोसाइटी मध्य प्रदेश के 18 जिलों से आज लगातार सामूहिक ज्ञापन के रूप में हर जिले के कलेक्टर महोदयों के मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दे रही है कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस वाले दिन यानी ईद मिलादुन नबी वाले दिन हर साल एक दिन के लिए संपूर्ण शराब की दुकानें एवं शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई जाए। 1 जनवरी 15 अगस्त और 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन ड्राई डे घोषित होता है, उसी तरीके से पैगंबर साहब के जन्म दिवस वाले दिन भी ड्राई डे मध्य प्रदेश शासन घोषित करे। और